वेलकम एवरीवन. इन टुडेज चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड बिफोर दिस फोर पार्ट वी हैव कवर्ड थ्री पार्ट्स इन विच आई हैव कवर्ड ऑल द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पोर्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. And sometime you get two marks questions also. And now we are going to understand the concept of this particular thing. And after this video, we will bring a series of videos based on this chapter only. And in that videos, we will cover the all the numerical portion. Okay, all the numerical portion. I have kept the numerical portion separate from the theoretical one because most of the students have problem in theoretical portions, and if they will have clarity of concept of the theoretical portion, they can solve the numerical portion also. So I have made the part 1, part 2, part 3, and this is the last one, part 4, just for to cover the theoretical portion of this chapter electricity. And in part 5 I will bring, and part 5 and part 6 I will bring the problem solving based on these concepts only. Okay, so now let me start and understand the concept of this chapter. And before starting this, I will request you all that those students who are new for the first new viewers of my channel, they are requested to subscribe the channel also, and also press the bell icon so that you can get the notification whenever I will upload the video on time. Okay, so now let's we start the video. In our daily life, we use most of the heating material which are operated by using electrical power, and most of them are heater, geyser, and there are so many other machines which are working on the concept of heating effect of electric current. Okay, this is more helpful, more practically used in industrial areas also. The following property of current through the conductor produces heat. Why do a current produces a heat? I have discussed this in previous parts also. When current is actually the flow of electrons, and when electrons flows through a resistance, the resistance opposes the electrons to flow through them. They start colliding with each other. जब इलेक्ट्रॉन पास करने की कोशिश करते हैं किसी रेजिस्टेंस से, और अगर उसके जगह पर काफ़ी भीड़ हो या उसके जगह काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हो, तो आपस में लड़ना या टकराना चालू होते हैं. और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, दैट गेट कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी. ठीक है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जिस कंडक्टर में जितना ज़्यादा जाने के लिए आसानी होगी, उतना ही कम हीट होगी. इसलिए जब आप पतला वायर यूज करते हैं किसी बड़ी मशीन को चलाने के लिए, तो उसमें जगह कम होती है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, आपस में टकराने की वजह से वो वायर हीटअप होने लगता है, एंड वो वायर मेल्ट भी हो जाता है. इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर जो रेटिंग है, करेंट रेटिंग का जो वायर है, उसी को इस्तेमाल किया जाए, जिससे उसमें आसानी से करेंट फ्लो करे. ठीक है, आप किसी बड़ी मशीन को पतले वायर से नहीं चला सकते, तुरंत मेल्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ वी आर यूजिंग दिस हीट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन आवर डेली लाइफ. हम उस हीट को यूज करते हैं करंट के फ्लो होने के वजह से, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, यानी जो आप प्रेस इस्तेमाल करते हैं कपड़ा अपना प्रेस करने के लिए, और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी जो सेम हीटिंग इफेक्ट है, टंगस्टन फिलामेंट के बल्ब की यहाँ पर बात की गई है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वो ज़्यादा अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो मेल्ट हो जाता है. इलेक्ट्रिक हीटर भी इसी कॉन्सेप्ट चलता है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर विलो. व्हाई डज द हीटिंग इफेक्ट ऑकर, हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें क्या होता है उसके बारे में हमें आप देखते हैं. एंड आयरन द अपर पार्ट इज ग्रुप्ड. आयरन का जो अपर पार्ट होता है वो ग्रुप्ड होता है. ठीक है, इन दिस ग्रुप कॉइल इज प्लेस्ड. एक कॉइल लगा होता है मीका एज एन इंसुलेटर. मीका का इस्तेमाल होता है इंसुलेटर के रूप में. इज प्लेस्ड बिटवीन द मेटल पार्ट ऑफ द कॉइल सो दैट देर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन देम. मीका इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मीका जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है.
तो एक कॉइल होती है, उस कॉइल को कॉइल कनेक्ट होती है पावर सप्लाई से, ठीक है, लाइफ और न्यूट्रल वायर कनेक्टेड होते हैं, और उसके नीचे एक लगी रहती है मीका की सीट, ठीक है। ये मीका की सीट जो होती है गर्म होती है, ये करंट नहीं पास करेगी लेकिन हीट को पास करती है, जिससे हमारा कपड़ा प्रेस हो जाता है और हमें करंट भी नहीं लगता नीचे का पोर्शन टच करने से। लेकिन आप ध्यान से उसको टच करिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं करंट लीक हो रहा होगा तो आपको टच हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इट बिकम हीटेड एंड द हीट ट्रांसफर टू द मेटल पार्ट थ्रू द मीका, ठीक है। और फिर मीका के बाद एक मेटल पार्ट भी, मेटालिक पार्ट भी लगा हुआ होता है, ठीक है, और मेटालिक पार्ट कवर लगा हुआ होता है, ठीक है, और इस तरीके से। तो मेटालिक पार्ट भी कवर गर्म होता है, सिर्फ हीट अप होता है, करंट नहीं पास होती उससे। फाइनली द मेटल पार्ट बिकम हीटेड एंड आयरन इज यूज्ड विथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और वो फिलामेंट क्या करता है यहाँ पे लाइट एनर्जी यहाँ पे इमिट करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस तरीके से इसके बीच में वो बल्ब होता है, वो ग्लो करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इन ग्लास वेसल और बल्ब द टंगस्टन वायर इज केप्ट सील्ड, और पूरी गैस भरी होती है। द ग्लास बल्ब इज़ फिल्ड विथ न्यूट्रल गैस और वैक्यूम, यानी यहाँ पर वैक्यूम या न्यूट्रल गैस होती है, जिससे ये ज़्यादा हीट को भी ये बर्दाश्त कर सके और ज़्यादा जल्दी से वायर टंगस्टन का पिघल ना जाए। इस वजह से वहाँ पर वैक्यूम या हीट न्यूट्रल गैस होती है। न्यूट्रल गैसेस आर यूजिंग नाउ अडेस कॉमनली, ज़्यादातर न्यूट्रल गैसेस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि नियॉन है, हीलियम, आर्गन, इस तरीके की गैसेस। तो ज़्यादातर यहाँ पर हम आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टंगस्टन वायर इज़ नोन एज फिलामेंट, टंगस्टन वायर फिलामेंट, टंगस्टन एक मटेरियल है जिसका वायर यूज करते हैं एज अ फिलामेंट। व्हेन द कंडक्टर फ्लोस थ्रू द टंगस्टन वायर और फिलामेंट इट बिकम हीटेड, और जैसे ही करंट फ्लो करती है टंगस्टन वायर जो होता है वो गर्म होता है और हीटेड होता है और लाइट इमिट करने लगता है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट यूज इन द यूज एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो आपको ये डिस्क्रिप्शन जो मैं अभी बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट यू विल हैव टू नो हाउ डज इट वर्क, ओके। फिर इलेक्ट्रिक हीटर भी इसी तरीके से काम करता है, उसमें एक जो मटेरियल यूज होता है हाई रेजिस्टेंस का और बना होता है किस चीज़ का, वो आपसे पूछा जाएगा, तो नाइक्रोम का बना होता है, निकेल और क्रोमियम यहाँ पर रहता है, ठीक है, वो नाइक्रोम का बना होता है और सेम टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो नाइक्रोम वायर आपको इस्तेमाल करना है। जब भी पूछेगा विच टाइप ऑफ वायर यूज इन ही मेकिंग हीटर, तो नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करता है क्योंकि हाई रेजिस्टिव होती है। द कॉइल इज वाउंड इन ग्रुप ग्रुप्स, यानी आपको इस तरीके के कॉइल, ऐसे ऐसे कॉइल जो हीटर का आपने देखा होगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके ये पूरा लगा रहता है। तो दिस इज ग्रुप ऑन सिरामिक फॉर्मेट, सिरामिक फॉर्मेट और चाइना क्ले, यानी एक फॉर्मेट आता है जिसमें इस तरीके की चीज़ें बनी रहती हैं और उसी में वो कॉइल को वाउंड करते हैं यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है। फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल इट बिकम्स हीटेड, यानी ऐसा इसलिए होता है जिससे करंट ज़्यादा रास्ता तय करे, यानी इट शुड ट्रेवल मोर पाथ सो दैट इट गेट मोर हीटेड, इट कैन जनरेट मोर हीट। तो इस तरीके से कॉइल बनी रहती है जिससे ज़्यादा उसको रास्ता तय करना पड़े। जब इस कॉइल को आप स्ट्रेच करेंगे तो जो आपके छोटे से हीटर का इतना सा जो कॉइल है वो आपका आधे किलोमीटर तक फैल सकता है, ठीक है। आधा किलोमीटर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 100 मीटर तक आप मान लीजिए, ठीक है। फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल इट बिकम हीटेड, ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस द कॉइल बिकम रेड कलर फॉर्म, जब गर्म होता है तो कॉइल कैसा होता है, एकदम रेड अपीयर होने लगता है, ठीक है, हाई हीट की वजह से। अब आते हैं मेन पार्ट जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है, दिस इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड अप्लायंसेज बाई स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, यानी अगर उसकी क्षमता से अधिक अगर करंट गई किसी सर्किट से तो फ्यूज़ ब्लो न हो जाता है, उसमें से तुरंत उस पिघल के गायब हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़, अच्छा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्यूज़ जो होता है हमेशा सीरीज़ में फ्लो करता है, क्योंकि सीरीज़ में जो होती है वो करंट सेम होती है, अगर फ्यूज़ को पैरेलल में लगाओगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होना है। तो फ्यूज़ को हमेशा हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ एक बहुत पतला वायर होता है और जो लेड या टीन के मटेरियल से बना होता है, टीन के जनरली टीन जो होता है उसमें, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एलॉय, ये मेटल या एलॉय का बना होता है, अब अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, किसी अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का, फॉर एग्जाम्पल एलमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ईटीसी, ठीक है। इफ़ अ करेंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी मेरे डिसाइड किए हुए एक करेंट की वैल्यू से अगर ज़्यादा करेंट फ्लो करेगी तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस, तो गर्म होने लगता है वो वायर, और दिस मेल्ट एंड फ्यूज वायर
एंड द ब्रेक्स द सर्किट, और यह फ्यूज वायर को पिघला देता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे आगे हमारे किसी मशीन को कोई नुकसान नहीं होता, उसके अंदर ज़्यादा करंट नहीं आती। द फ्यूज वायर इज यूजली इनकेस्ड इन अ कट इज ऑफ पोर्सिलिन और सिमिलर मटेरियल विथ मेटल एंड्स। आपको इस तरीके की जो सिरामिक की जो ग्रिप है आपको कभी कभार देखने को मिली होगी, जिसमें यहाँ पर कुछ मेटालिक पोर्शन लगा होता है, ठीक है, एक ग्रिप टाइप का और यहाँ पे ग्रिप टाइप का, और इन दोनों के बीच ग्रिप के बीच में एक कनेक्शन होता है इस तरीके के फ्यूज़ वायर का, ठीक है। आपने इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको फ्यूज़ दिख भी जाएगा, ठीक है। द फ्यूज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज, जो घर में यूज होते हैं 1 एम्पियर के फ्यूज की। अच्छा, एक चीज़ और आपको देखनी है, जो फ्यूज़ की रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। फ्यूज़ की रेटिंग किस में निकाली जाती है, रेटिंग एम्पियर में नापी जाती है कि ये 1 एम्पियर का फ्यूज़ है, 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, यानी 3 एम्पियर की जो करंट है उसको मैक्सिमम ये अलाउ कर सकता है, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, इससे अधिक अलाउ नहीं करेगा। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड टू ए 220 वोल्ट, यानी 1 किलोवाट जो पावर है अगर वो यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, तो पावर का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, पी इक्वल टू वी इंटू आई होता है, ठीक है, वोल्टेज इंटू करेंट। तो द करेंट ऑफ 1000/220 एम्पियर, दैट इज 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द सर्किट एंड, ठीक है, इन दिस केस 5 एम्पियर फ्यूज़ मस्ट बी यूज्ड, यानी इस केस में 5 एम्पियर का फ्यूज़ ही यूज्ड होना चाहिए, क्योंकि देखिए 5 एम्पियर से हम यहाँ पर एक टॉलरेंस रहता है कि 5 एम्पियर तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो 5 एम्पियर की रेटिंग अगर फ्यूज़ यूज करते हैं तो जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो तुरंत फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर हमें बहुत फाइन एडजस्टमेंट चाहिए होता है वहाँ पर हमको 4.54 है तो 4.6 एम्पियर या 4.55 एम्पियर तक का, अगर हमें एग्जैक्ट इतनी ही करंट चाहिए तो इस एम्पियर की रेटिंग का हमको फ्यूज़ लगाना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक अप्लायंस है वो थोड़ा सा वेरी को एडजस्ट कर लेते हैं, तो 5 एम्पियर की रेटिंग का फ्यूज़ हम यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप 5 एम्पियर को इसमें अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो जो इलेक्ट्रिक पावर है, इट इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी आप कितना कार्य कर रहे हो कितने समय में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊं कि एक बच्चा है, दो पोजीशन है, एक पोजीशन है ए और दूसरा पोजीशन है बी, हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो बच्चा है रोहन, ठीक है, रोहन यहाँ से 5 ब्रिक्स एक साथ ले जा रहा है और इस जगह पर पहुँचा के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो अमित है वो सिर्फ 1 ब्रिक यहाँ से उठा के ले जा रहा है और यहाँ तक पहुँचा रहा है। तो इसमें काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे पावर की बात करेंगे कि किसकी पावर ज़्यादा है, तो पावर यहाँ पे रोहन की ज़्यादा है, क्योंकि वो सेम टाइम में वो ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं पावर को, पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन, यानी कितना कार्य कर रहा है इन पर यूनिट टाइम, यानी सेम टाइम में कितना वर्क ज़्यादा कर रहा है। तो इसने वर्क ज़्यादा किया तो इसका जो वैल्यू होगा, पावर होगा इसका ज़्यादा था, इसलिए इसने ऐसा काम किया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, तो इस फार्मूले को आपको कैसे याद रखना है, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखिएगा, इसको एज अ सच ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ फार्मूलों को याद करने का। तो आपको इस फार्मूले को इसी तरीके से रखना है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। इसको बोलते क्या है, व्हाट इज पावर, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए यहाँ पर तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर, बट देर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर पावर, दैट इज वाट, यानी दिस इज वाट। और वेन पावर इज सेट टू बी 1 वाट, वेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर इज सेट टू बी 1 वाट। और आपको मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में सिखाया है कि आप किस तरीके से इसको 1 वाट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 वाट इज द रेट ऑफ वर्किंग, 1 जूल पर सेकेंड इज द पावर ऑफ 1 वाट, ठीक है, ये 1 वाट डिफाइन किया गया। अब हम आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इट इज द टोटल वर्क डन बाई द करेंट, बाई अ करेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो जो एनर्जी होती है कैसे निकल के आती है, एनर्जी को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को भी मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ, तो हमें मिल जाती है एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको एनर्जी में बनाने के लिए, तो देखिए टाइम टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा वर्क, यानी वर्क ही एनर्जी हो जाती है, ठीक है, वर्क ही एनर्जी हो जाती है। तो जो पावर इनटू टाइम की जो यूनिट है, देखिए यहाँ पे जूल पर सेकंड था, ठीक है, जूल पर सेकंड था, और यहाँ पे सेकंड से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी अगेन यूनिट जूल हो जाएगी। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वर्क के यूनिट के बराबर ही होती है, और दोनों की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी आपको निकालना होगा, तो आपको निकालना होगा पी इंटू टी करके। आपको हम पावर के और भी कई सारे फार्मूला बताएंगे, ठीक है, पहले आपको इस चीज़ को यहाँ पर इस तरीके समझना होगा। तो क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम, ठीक है, कितना पावर इलेक्ट्रिक पावर है और उसमें टाइम कितना, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ एनर्जी। इस फार्मूले को आपको कैसे याद करना है, इस फार्मूले को आपको इसी तरीके से याद करना है कि एनर्जी इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। और आपको हम कुछ और फार्मूले आपको इसके बाद हम बताएंगे, ठीक है, ओके। अब जो इसकी यूनिट होती है एनर्जी की, तो इसकी यूनिट होती है, देखिए पी इंटू टी है, तो पी की यूनिट होती है वाट, ठीक है, पी की यूनिट वाट, और टी की यूनिट यहाँ पे होती है हम यहाँ पर जो लेते हैं वो आवर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूम यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिकली कंज्यूम होती है, तो उसको वाट आवर में मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखिए SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट तो आपकी जूल ही है, लेकिन एक अलग सी यूनिट डिराइव की गई है, इसको हम बोलते हैं वाट आवर, ठीक है, तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो पावर की यूनिट होगी वाट और टाइम की यूनिट होगी यहाँ पे आवर, क्योंकि अगर हम सेकंड में लेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और बहुत बड़ी वैल्यू हम नहीं चाहते हैं कि हमें बार बार बोलने में दिक्कत भी होगी और हो सकता है लिखने में मिस्टेक भी हो जाए, तो हम इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में, जो बहुत ही आसान काम है। तो हम जब पावर को कैलकुलेट करते हैं तब किस में कैलकुलेट करेंगे, वाट आवर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे डिफाइन करते हैं कि वन वाट आवर क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ वन वाट पावर इज यूज्ड फॉर वन आवर। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ई की वैल्यू वन कब होगी, जब पी की वैल्यू वन और टी की वैल्यू वन हो, यानी वन वाट इन वन आवर का काम जब करे, तो उस कंडीशन में वन वाट आवर का काम करेंगे। अच्छा, वन वाट वाट आवर जो है, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ पावर, ओके। तो डोंट बी कन्फ्यूज, दिस इज वाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑफ पावर, ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर एग्जाम में एक और चीज़ क्वेश्चन पूछी जाती है कि वन किलो वाट आवर को आप कन्वर्ट कीजिए, अच्छा वन किलो वाट आवर जो होता है, दिस इज इलेक्ट्रिकल यूनिट, जो आप घर में बिजली का बिल पे करते हैं, दिस इज वन किलो वाट आवर, ठीक है, वन किलो वाट आवर, ठीक है। किलो का मतलब 10^3, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 1 kilowatt इज यूज्ड इन 1 hour, यानी अगर किसी का 1 kilowatt, 1 kilowatt का मतलब क्या होता है आप समझिए, 1000 watt का अगर कोई चीज़ आप 1 घंटे या यूज करते हैं, तो ये एनर्जी जो कंज्यूम करेगी, तो पावर इंटू टाइम जो हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 watt hour, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे आप इसको पूरा लिखिए वाट आवर, ठीक है, तो ये जो वाट आवर होगा 1000 watt hour, इसी को जो बिजली विभाग वाले हैं उसको बोलते हैं 1 unit, आपने आपका बिजली का बिल 1 unit बढ़ जाएगा अगर आप 1000 watt का, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको दे दूं जिससे आप इसको याद रखें, कोई आपका अगर मोटर है जो 1000 watt का है सपोज़, तो अगर आप उसको 1 hour के लिए चलाएंगे तो आपको 1 unit का जो कंजप्शन आप कर लेंगे, ठीक है, तो 1 unit का कंजप्शन आपका इसमें होगा, क्लियर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी SI यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट जो जूल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले हम लिखिए आप 1 kilo, सबको अलग सेपरेट लिखते हैं, वाट आवर, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे किलो का मतलब 10^3, वाट का मतलब वाट ही रहेगा, और आवर को हम करेंगे सेकेंड में, तो 3600 सेकेंड,
तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर जो हो जाएगा टोटल, देखिए 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा वाट और सेकेंड। ठीक है, तो ये जो वाट सेकेंड होता है दिस इज एक्चुअली जूल। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो 1 किलो वाट आवर यानी 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट होती है, 1 यूनिट में हम 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में बनना चाहिए, इस चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम सबसे पहले आपको सबसे पहला जो वीडियो होगा नेक्स्ट पार्ट हमारा, वो कवर करेगा NCERT के ऑल क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी होंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे। फिर उसके बाद जो पार्ट 6 आएगा हमारा, उसमें हम जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, और कुछ और भी हम कुछ क्वेश्चंस उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जिसमें हम सर्किट डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक इस वीडियो को आप देखिए, ध्यान से देखिए, और अपने बुक की भी रीडिंग कीजिए। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9424563824 इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ में अगर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों तक तो पहुंचेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आप तक और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। और अपने जो दोस्त हैं जो आपके साथ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को भी शेयर कर दें, और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।